नमस्कार सभी को। आज EMRS ने एक एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जितने भी EMRS हैं वो इसी कैलेंडर को फॉलो करेंगे, जिसमें आप लोगों को छुट्टियों के बारे में भी बताया गया है कि जो वैकेशंस हैं वो कब से कब तक रहेंगी रीज़न वाइज। तो डिटेल में देखते हैं इस लेटर में है क्या कि आप लोग देख सकते हैं 15 जुलाई 2024 को ये जारी किया गया है। और द नोडल ऑफिसर स्टेट EMRS सोसाइटी, मतलब सभी जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं स्टेट EMRS सोसाइटी के, उन सब को ये लेटर गया है। लिखा है डेली रूटीन एंड वैकेशन शेड्यूल फॉर EMRS। डेली रूटीन क्या होगा विद्यालयों में स्टूडेंट्स के लिए, कितने बजे क्लासेस चलेंगी, कितने बजे रिमेडियल होगा, कितने बजे गेम्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, कितने बजे उठेंगे वो, कितने बजे सोएंगे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, सारा कुछ इसमें दिया गया है। और फिर नीचे वैकेशन क्या रहेंगी उनकी, कब से कब तक, वो पूरा शेड्यूल इसमें है। इससे आराम ये होगा इस सर्कुलर के आने से कि जैसे अभी तक हर स्टेट में छुट्टियाँ अलग अलग होती थी, कोई किसी मंथ में वैकेशंस करता था, कोई किसी मंथ में, तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसमें रीज़न में बांट दिया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हर जगह छुट्टियाँ या वैकेशंस जो भी हैं वो होंगी। देख रहे हैं इसमें क्या है कि जैसे पूरा इन्होंने ऊपर यही बताया है कि क्या क्या फंक्शनिंग होगी ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। स्पेशल इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव डेली रूटीन का एक शेड्यूल जारी किया है और एक वैकेशन कैलेंडर जारी किया है, ताकि जिसमें कोई भी डाउट शंका ना रहे लोगों में। क्योंकि जब से नेस्ट ने इसे अपने हाथ में लिया है तो स्टेट सोसाइटी वाले और स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो भी अभी असमंजस में थे, कैसे करना है, क्या करना, बहुत सारी चीज़ों के लिए अभी भी टीचर्स को सफ़र करना पड़ रहा है। क्योंकि जब वो किसी छुट्टी के लिए अपने प्रिंसिपल के पास जाता, प्रिंसिपल कह देता हमें नहीं पता, ये नेस्ट डिसाइड करेगा या सोसाइटी डिसाइड करेगी, अब वो टीचर बेचारा सोसाइटी के पास जाता है, फिर सोसाइटी वाले कहते हैं नेस्ट बताएगा, तो इसमें बड़ी ही अभी भी समस्याएँ हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि नेस्ट को एक पूरी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि इन मामलों में जैसे कि कौन सा मैटर कौन डील करेगा। तो ये पूरा अगर शेड्यूल आ जाए, पूरा एक SOP अगर जारी कर दें तो टीचर्स को सफ़र नहीं करना होगा। फ़िलहाल हम इसमें देखते हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया है, एक शेड्यूल जारी किया है, इसके बाद अन्य चीज़ों पर भी ये काम करेंगे। तो इसमें जैसे इन्होंने लिखा है नीचे कि बच्चे जो उठेंगे वो 5 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद 5:30 से 6:15 यानी 5:30 to 6:15 रोल कॉल एंड मॉर्निंग एक्टिविटी यानी PT योगा ये सब कंडक्ट होगा। PT एंड योगा में फिजिकल जो टीचर हैं यानी उनको भी 5:30 to 6:15 वहाँ पे टाइम देना है। बाथ एंड चेंज 6:15 से 7 बजे का टाइम उनको नहाने का होगा। मिल्क विद ईटेबल्स, बाकी जो ब्रेकफास्ट कह सकते हैं 7 से 7:15। फिर जो असेंबली होगी वो 7:15 से 7:35 तक, यानी स्कूल का अगर माना जाए तो 7:15, मोटा मोटा 7 बजे भी अगर मान लो टीचर्स को 7 बजे पहुंचना होगा, ठीक है, क्योंकि 7:15 से उनकी मॉर्निंग असेंबली शुरू होगी। फिर फर्स्ट पीरियड जो होगा वो 7:35 to 8:15। फिर इसके बाद आप लोग देख रहे हैं सेकेंड पीरियड जो होगा वो 8:15 to 8:55। फिर ब्रेकफास्ट हो जाएगा 8:55 to 9:30। फिर थर्ड पीरियड चलेगा 9:30 to 10:10 AM। फिर फोर्थ पीरियड चलेगा 10:10 to 10:50। फिफ्थ पीरियड चलेगा 10:50 to 11:30। फिर इसके बाद रिसेस हो जाएगा यानी इंटरवल होगा जो 11:30 से 11:40। देखा जाए तो केवल 10 मिनट का रिसेस किया है, जो कि आई थिंक ज़्यादा होना चाहिए था। फिर 11:40 to 12 PM 6 पीरियड। फिर 12
12:01 PM, लास्ट का जो अर्थ पीरियड है 1:40 PM। तो मान के ये चला जाए कि 1:40 या 2 बजे तक टीचर्स की भी छुट्टी हो जाएगी, तो टीचर जो है अपना स्कूल में जो टाइम मान के चले 7 से 2 वो मान के चले हैं, उनको स्कूल में रहना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, फिर लंच और रेस्ट हो जाएगा जो बच्चे 1:40 to 3 PM तक। फिर सेल्फ स्टडी या सुपरवाइज स्टडी या रिमेडियल क्लासेस जो 3 to 4:15 PM, इसमें भी टीचर को इंगेज रहना है। हो सकता है रोस्टर वाइज ड्यूटी लगे, किसी दिन किसी की, किसी दिन किसी की, तो इसमें रिमेडियल क्लासेस, सुपरवाइज स्टडी, सेल्फ स्टडी, ये सब होगा 3 से 4:15 तक। रिपोर्टिंग फॉर गेम्स एंड रोल कॉल, इसमें PT जो भी होंगे वो आपके इंगेज रहेंगे 4:15 to 4:30, गेम्स भी फिर 4:30 to 5:30। फिर जो है बात एंड चेंज बच्चे जो है 5:30 to 6 PM रहेगा। फिर इवनिंग स्नैक्स 6 to 7:20। फिर से सुपरवाइज स्टडी, प्रिपरेशन फॉर कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स JEE नीट वगैरह की 6:20 to 8:00। फिर डिनर 8 to 8:45। फिर ऑन टाइम ये बच्चों का अपना होगा, इसमें हाउस मास्टर इंगेज रहेंगे और जिनकी ड्यूटी लगेगी नाइट में वो इंगेज रहेंगे 8:45 to 10 PM। जैसे बहुत सारे टीचर्स की इसमें ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि वो नाइट पे देखें, विजिट करके कहीं कोई बच्चा शरारत तो नहीं कर रहा, कोई अव्यवस्था तो नहीं है, तो इसमें भी इंगेजमेंट उनका रहेगा। फिर 10:30 पे बच्चे सो जाएंगे। फिर इसके बाद इन्होंने एक और जैसे स्टार लगा था, तो इसलिए इफ ब्रेकफास्ट इज़ रेडी बाई 7 AM एक्टिविटीज़ फ्राम सीरियल नंबर 3 to 8 मे बी मोडिफाइड एज अंडर। कुछ इन्होंने मोडिफिकेशन किए हैं, अगर 7 बजे नाश्ता रेडी होता है देन बाथ एंड चेंज 6:15 to 7, ब्रेकफास्ट 7 to 7:35, असेंबली 7:35 to 7:55, फर्स्ट पीरियड 7:55 to 8:35। यानी अगर देखा जाए ऊपर का जो सीरियल नंबर 3 से ऊपर 6:15 to 7 AM बाथ एंड चेंज है, नीचे भी सेम है 6:15 to 7 AM। फिर इस जो है आपका मिल्क एंड ईटेबल्स का मतलब यहाँ पे आपका नीचे स्टार तभी बनाया उन्होंने, ब्रेकफास्ट है यानी 7 to 7:15, और अगर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाता है तो वो 7:15 का टाइम बढ़ा के 7:35 कर दिया है, यानी 20 मिनट उन्होंने इधर बढ़ा दिए हैं। जब 20 मिनट इधर बढ़ाए हैं तो असेंबली भी 7:35 यहाँ पे हो जाएगी, जो कि वहाँ पर जो असेंबली होती थी 7:15 पे होती थी, ठीक। यहाँ पे जो है असेंबली कितने बजे हो जाएगी, 7:35 to 7:55। फर्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 7:55 से स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ पर फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा था आपका 7:35, यानी भाई 20 मिनट बढ़ गया है। तो 7:35 to 8:15 यहाँ पे फर्स्ट पीरियड हो रहा है और यहाँ पर फर्स्ट पीरियड हो रहा है 7:55 to 8:35। यानी मिल्क विद ई टेबल जो है उसका इन्होंने यहाँ पर टाइम दे दिया 8 वाले में 9:15 to 9:30, यानी सेकेंड पीरियड के बाद, सेकेंड पीरियड में इन्होंने 8:35 to 8:15 रखा है, क्योंकि इधर ब्रेकफास्ट जो है तैयार नहीं था तो ब्रेकफास्ट का टाइम 8:55 to 9:30 दिया था, लेकिन अगर ब्रेकफास्ट तैयार हो जाता है तो ऊपर का टाइम जो है वो थोड़ा 20 मिनट बढ़ा दिया जाएगा और इधर ब्रेकफास्ट का टाइम वो उतना कम कर दिया जाएगा। केवल यही चेंजेस हैं। फिर इसके बाद डेली रूटीन टू बी फॉलोड बाई MRS फ्राम 16 November 2024 to February 2025, यानी ऊपर का जो टाइम शेड्यूल दिया है वो आपका दिया है 1 April to 15 November, और फिर इसके बाद और March 2025, यानी ये जो लागू होगा ये 15 नवंबर तक, फिर 16 नवंबर से दूसरा टाइम टेबल नीचे दिया और मार्च में ये चलेगा, ठीक है। नीचे जो टाइम टेबल दिया है वो 16 नवंबर से फरवरी तक, तो इसमें देख सकते हैं राउज 5:15, रोल कॉल 5:45 to 6:30, बाथ एंड चेंज 6:30 to 7:15, मिल्क विद ईटेबल 7:15 to 7:30, असेंबली
इसका टाइम जो है 7:30 to 7:50, फर्स्ट पीरियड 7:50 to 8:30, सेकेंड पीरियड 8:30 to 9:10, ब्रेकफास्ट 9:10 to 9:40, थर्ड पीरियड 9:40 to 10:20, फोर्थ पीरियड 10:20 to 11, फिर इसके बाद फिफ्थ पीरियड की बात करें 11:00 to 11:40, फिर रिसेस 11:40 to 11:50, सिक्स पीरियड आपका 11:50 to 12:30, सेवन 12:30 to 1:05, लास्ट का पीरियड 1:05 to 1:40। तो ये शेड्यूल आपका स्कूल का हो गया। सेल्फ स्टडी रिमेडियल क्लासेस 3 to 4, और उससे पहले आपका 1:40 to 3 लंच और रेस्ट रहेगा। रिपोर्टिंग फॉर गेम्स एंड रोल कॉल 4 to 4:15, गेम्स का 4:15 to 5:15, बाथ एंड चेन 5:15 to 5:45, आफ्टर दैट इवनिंग स्नैक्स 5:45 to 6 PM, सुपरवाइज स्टडी प्रिपरेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम 6 to 7:30, डिनर जो है 7:30 to 8 PM, 8:10 PM, ऑन टाइम काउंसलिंग बाई हाउस मास्टर 8:10 to 10 PM, और लाइट्स ऑफ 10, यानी सर्दियों में कहा जाए तो 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएंगी, जबकि गर्मियों में 10:30 पे। इफ़ ब्रेकफास्ट इज 80/7, एक्टिविटीज़ फ्राम सीरियल नंबर 3 to 8 में भी मॉडिफाइड एज अंडर, सेम है वहाँ पर भी, जैसे अगर ब्रेकफास्ट जल्दी तैयार हो जाता है तो जो ईटेबल थिंग्स दी जाएंगी उसकी जगह पे ब्रेकफास्ट का टाइम जो है बढ़ा दिया जाएगा, और बाद में मतलब केवल ब्रेकफास्ट और मिल्क विद ईटेबल इनको इंटरचेंज किया गया, थोड़ा टाइमिंग मॉडिफाई हो गई है। अब ये हम बात करते हैं, आप लोग देख लीजिए रूटीन ऑफ संडे एंड हॉलीडे, जिस दिन छुट्टियां होंगी उस दिन का क्या रहेगा। उस दिन बच्चे उठेंगे 6 बजे, रोल कॉल होगी 6:30 to 6:45, मिल्क विद ईटेबल आपका 6:45 to 7, क्लीनिंग ऑफ डोरमेट्री एंड इट्स सराउंडिंग, लैंडस्केपिंग, किचन गार्डन, इंस्पेक्शन बाय हाउस मास्टर, हॉस्टल वार्डन 7 to 8, 7 से 8 बजे आपके हाउस मास्टर भी दौरे पे जाएंगे, देखेंगे और बाकी साफ़ सफाई होगी। बाथ एंड चेंज 8 से 9, ब्रेकफास्ट 9 to 9:30, ऑन टाइम 9:30 to 10, सुपरवाइज स्टडी का टाइम है 10 to 12, ऑन टाइम 12 to 1 PM, रोल कॉल फॉलोड बाय लंच 1 to 1:45, ऑन टाइम 1:45 to 4 PM, इवनिंग स्नैक्स रोल कॉल 4 to 4:15 PM, टीवी अदर एक्टिविटीज सेल्फ स्टडी ऑन टाइम 4:30 to 6 PM, सेल्फ स्टडी प्रिपरेशन फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स 5 to 7:30, रोल कॉल फॉलोड बाय डिनर 7:30 to 8:15, ऑन टाइम काउंसलिंग बाय हाउस मास्टर, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, सेल्फ स्टडी एंड नाइट रोल कॉल 8:15 to 10 PM, लाइट्स ऑफ 10:30 PM। वैसे शेड्यूल तो इनका बेहतरीन है बच्चों के लिए, बच्चों के उद्देश्य से अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया शेड्यूल है, और अगर ये शेड्यूल फॉलो होता है तो मुझे लगता है अगर इस तरीके से बच्चे करें जो प्रॉपर टाइम दिया तो ये अच्छा करेंगे, मतलब पढ़ सकते हैं और कुछ अच्छी सर्विस वगैरह में भी जा सकते हैं अगर जो दिया उसको फॉलो किया जाए सही से, अगर मेहनत से पढ़ते हैं। क्योंकि जनरली होता क्या है, हम लोग शेड्यूल ही नहीं बना पाते, जैसे कि अगर देखा जाए कभी तो हम लोग पढ़ लेते हैं ज़्यादा और कभी होता है कि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर इस शेड्यूल को फॉलो किया जाए निश्चित रूप से बच्चे जो है सफल होंगे। वैकेशन कैलेंडर फॉर EMRS, ये जो है टीचर्स के लिए भी है, इसमें देख सकते हैं हम, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कब हमें अपनी फ़्लाइट करनी है, ट्रेन की टिकट बुक करनी, कब घर जाना है। तो सबसे पहले नॉर्थ जोन में बांटा है, नॉर्थ जोन में आता है पहला रीजन उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जितने EMRS हैं यहाँ पर देखो समर वैकेशन जो होगी, यानी इधर तो हो ही चुकी है, इन्होंने हालांकि ऊपर दिया भी है लेटर में क्योंकि ये समर वैकेशंस हो चुकी हैं, केवल ये रेफरेंस के लिए दी हैं ताकि आगे जो एकेडमिक कैलेंडर बनेगा उसमें भी आप जो है नेक्स्ट ईयर में मान के चलें इसी ड्यूरेशन में समर वैकेशन होगी। तो ये नॉलेज के लिए है, अब लोग ये मत कहें कि ये लेटर बाद में आया समर वैकेशन हो चुकी हैं, उन्होंने डाला, ये एक कैलेंडर में डाला जाता है इस तरीके से, लेकिन वो है क्या कि वो नेक्स्ट ईयर आप जब अवेल करेंगे तो इसी के आसपास समर वैकेशन रहता है। जैसे इसमें मान लो 11 मई से शुरू हुआ है तो 10 या 11 मई से अगले साल भी शुरू होगा,
और वो 19 तक है, यानी 40 डेज़ का समर वैकेशन है उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जितने भी EMRS इस्टेब्लिश्ड हैं। ऑटम ब्रेक की छुट्टी एक रहेगी 9/10/2024 से 13/10/2024 की, फिर 29/10/2024 से 3/11/2024। विंटर वेकेशन जो रहेंगी वो 26/12/2024 से 4/1/2025, यानी टोटल आपके 60 डेज़ की ये छुट्टी रहेगी। ठीक है, कितनी? 60 डेज़। फिर इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये भी नॉर्थ जोन में ही आते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो समर वेकेशन रहेगा वो 21 मई से 9 जून तक रहेगा, यानी 20 दिन का। फिर इसके बाद ऑटम जो रहेगा वो 9/10/2024 से 13/10/2024, फिर उसके बाद 30/10/2024 से 3/11/2024। और विंटर जो है इधर ज़्यादा रहेगा, 24/12/2024 से 22/1/2025 तक, यानी 30 दिन का आपका विंटर वैकेशन रहेगा, क्योंकि इधर सर्दियां ज़्यादा होती हैं इसलिए सर्दियां में छुट्टी ज़्यादा होगी, समर में 20 दिन की ही छुट्टी होगी। और सेम ऐसे ही छुट्टियां KVS NVS में भी इसी तरीके से वो शेड्यूल करते हैं जोन में बांट के कि किस जोन में कब रहेंगी, लेकिन टोटल जो छुट्टियां होती वो सेम रहती हैं, बस विंटर और समर में वो इधर उधर की एडजस्ट हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो विद्यालय हैं, नॉर्थ ईस्ट में जैसे सिक्किम आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, तो इसमें जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जो समर वेकेशन होंगी वो 22 मई से 31 मई तक, यानी केवल 10 दिन की होंगी। ऑटम ब्रेक जो होगा वो 9/10/2024 से 13/10/2024, इधर 30/10/2024 से 3/11/2024, यानी 10 दिन का इन्होंने लिखा है। विंटर जो रहेगा 14/12/2024 से 22/1/2025, यानी इधर विंटर और बढ़ा दिया गया, 40 दिन का कर दिया गया। इधर जो है समर कम किया गया, विंटर बढ़ा दिया गया। फिर अब हम बात करते हैं ईस्ट में जो आते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जो समर वेकेशन है वो 11 मई से शुरू होगी और 9 जून तक चलेगी, यानी 30 डेज़ का। फिर इसके बाद जो ऑटम रहेगा वो 7/10/2024 से 18/10/2024, फिर 30/10/2024 से 3/11/2024, यानी 17 दिन का रहेगा ऑटम ब्रेक। आई थिंक इधर दुर्गा पूजा वगैरह भी होती है, इस वजह से 17 दिन का दिया इन्होंने। फिर विंटर वेकेशन जो है 26/12/2024 से 7/1/2025, यानी 13 दिनों का आपका रहेगा विंटर वेकेशन। फिर बात करते हैं हम ओडिशा एंड झारखंड की। ओडिशा एंड झारखंड में 11 से 19 तक, यानी 40 डेज़ का आपका समर वेकेशन रहेगा, यानी 11 मई से शुरू होंगी छुट्टियां, 19 तक रहेंगी 40 डेज़ का। ऑटम जो रहेगा 9/10/2024 से 13/10/2024, देन उसके बाद 30/10/2024 से 3/11/2024, यानी 10 डेज़ का। फिर विंटर वेकेशन जो रहेंगी वो 26/12/2024 से 4/1/2025, 10 दिन का। फिर साउथ में जो भी EMRS हैं, जिनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, इनमें अगर हम बात करें समर वेकेशन जो रहेगी वो 11/5/2024 यानी मई, और 19/6/2024 जून, यानी 40 दिन का। और ऑटम जो रहेगी 9/10/2024 से 13/10/2024, फिर 30/10/2024 से 3/11/2024, 10 डेज का। विंटर जो रहेगा वो 26/12/2024 से 4/1/2025, 10 डेज का। फिर इसके बाद बात करें वेस्ट जोन में जो भी हैं, जैसे गुजरात आता है, दादरा एंड नगर हवेली आता है, महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, तो यहाँ पर 11 मई से 19 जून 40 डेज, फिर 9/10/2024 से 13/10/2024 सेम है, मतलब ये इधर देखा जाए और ये सेम ही है, साउथ वेस्ट और आपका ईस्ट,
ये जोन लगभग इसमें सेम ही है, केवल वेस्ट बंगाल में आपका थोड़ा सा ऑटम और विंटर में इन्होंने इंटरचेंज किया है। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, देखो एक चीज़ नोटिस करना, जितने भी जो ऑटम ब्रेक हैं वो ज़्यादातर 30 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश राजस्थान में 29 लिखा है, इधर 3 लिखा है। तो जब आप 9/10/2024 और 13/10/2024 तक और 29/10/2024 3/11/2024 तक अगर काउंट करेंगे, ये 10 के बाद ये 11 डेज हो जाएंगे, बाकी में देख लीजिए 30-30 ही लिखा हुआ है। तो जो भी है, आई थिंक ये मिस्टेक उनसे हुई है, या 29 ही हो सकता हो, क्योंकि जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये 11 डेज बनेंगे जा करके, लेकिन छुट्टियों का प्रोविज़न है 60 डेज़ का। तो हो सकता है इसका कुछ क्लैरिफिकेशन आए कि ये यहाँ पे 29 लिखा है जबकि 30 होना चाहिए था, या जो भी है। फ़िलहाल तो ये एक इन्होंने छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है जिसमें आपको लॉन्ग वेकेशंस या एक ब्रेक मिल जाएगा जिसमें आप घर आ सकते हैं। तो ये था कैलेंडर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इन्होंने एक लाइन लिखी है, इट इज़ आल्सो मेंशन्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ समर वेकेशन मेंशन्ड इन द कैलेंडर इज़ फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस ओनली एज दिस वेकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25। मतलब आगामी जो आपका समर वेकेशन होगा उसमें आप इस तरीके से उसका रेफरेंस ले सकते हैं कि हाँ इसी के आसपास होगा नेक्स्ट ईयर। तो इस पर्पस से कैलेंडर जारी किया गया है, धीरे धीरे सारी चीज़ें जारी करी जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।